गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जनता खड़ी होती है तब पीके फीके पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर का बीजेपी की रैलियों में उमड़ रहे जन सैलाब से व्यथित होना स्वाभाविक है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर जैसे नॉन पॉलिटिकल लोग राजनीति के बारे में ज्यादा न बोलें तो बेहतर होगा। ये वही पीके हैं जिन्होंने यूपी में खाट पंचायत करवाकर कांग्रेस की खाट खड़ी कर दी थी और अखिलेश यादव की साइकिल पंचर करवा दी थी। अब ये बंगाल में तृणमूल को भी तिनके की तरह उड़वा देंगे। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने सोमवार को ट्वीट कर कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, जिसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने प्रशांत किशोर को धैर्य रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सुशासन लाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी में वन्य प्राणी सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, पहले कभी पश्चिम बंगाल में टाइगर ज्यादा हुआ करते थे, आज हमारे प्रदेश में हैं। इस तरह अब हम तेंदुए की संख्या में भी अव्वल हो गए हैं। उन्होंने कहा बंगाल की यह धरती क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की धरती है, जिन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और अब वहां तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा चल रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली और कहा कमलनाथ जी की विदाई तो तय है, अब जो भी नया उनकी जगह आएगा उसे बूके भेंट कर और फूल माला पहनाकर स्वागत करेंगे। पीके और सीके सब फीके होते हैं जब जनता खड़ी होती है। ये प्रशांत किशोर थे जिन्होंने यूपी में खाट पंचायत कराई थी और कांग्रेस की खाट खड़ी करके साइकिल पंचर कर दी थी। यही प्रशांत किशोर थे जो बिहार में तेजस्वी की लालटेन को बुझा के आ गए। अब ममता की तृणमूल भी तिनके की तरह उड़ती दिखाई देगी, आप प्रतीक्षा करो। और इसलिए जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, अपनी दुकान चमचाने के लिए पेड वर्कर हैं, राजनीति के बारे में ज़्यादा ना बोलें, जो काम दिया है वो करें। पश्चिम बंगाल रहा करता था, अब मध्य प्रदेश है, यही उदाहरण है भाजपा शासित राज्यों का, तेंदुआ में भी है टाइगर में भी। हम वीरों के और शहीदों की अनुयायी पार्टी है, हम उन्हें पूजते हैं, पर हमारी मान्यता है कि पूजे नहीं गए वीर तो वो पंथ कौन अपनाएगा, और धरती को माँ कह के माटी माथे से कौन लगाएगा। उनका नारा था पश्चिम बंगाल से आते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पर पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य है कि उसके बाद ऐसे लोग चुन के आए प्रजातंत्र में कि जो कहते थे कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा, और वही सारे के सारे लोग आज राज कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, माननीय मोदी जी को साधुवाद। इससे एक बात तो साबित हो गई कि कमलनाथ को कोई भी पसंद नहीं करता, अगर आपकी बात को मैं सही मानूं तो, ये तो तय हो गया। और मेरी बात की ओर ही बढ़ रहे हैं आपके, ये चले जाएंगे, अब कोई बने जो बनेगा हम स्वागत करेंगे उसका, बुके भेंट करेंगे, माला पहनाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।